नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद मात्र एक या दो वर्ष ऐसे होंगे जब लोकसभा के चुनाव उस वर्ष हुए हों और उसी सिमिलरली महत्वपूर्ण कुछ और घटनाएं भी हुई हों। 1984 और 1991 उनमें से ऐसे साल थे। 1984 के बारे में आप जानते हैं कि चुनाव के अलावा उसमें तीन बहुत मेजर महीनों के अंदर त्रासदी हुई थी। सबसे पहले जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें सिखों का सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर पर आर्मी एक्शन हुआ था। उसके बाद 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की हत्या और उसकी रिजल्टेंट एंटी सिख कार्नेज दिल्ली में और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई शहरों में, और फाइनली दिसंबर में भोपाल गैस ट्रेजेडी। इन तमाम ट्रेजेडीज के बीच में लोकसभा के चुनाव हो गए और राजीव गांधी के लीडरशिप में इंदिरा गांधी के मेमोरी को इन्वोक करते हुए कांग्रेस ने 400 से ज्यादा लोकसभा सीट्स हासिल किए। उससे पहले 400 का मार्क ना कभी पार किया और ना ही उसके बाद। 1991 में उसी तरह से एक बहुत एक्शन पैक्ड ईयर था। दैट ईयर स्टार्टेड विद द ड्रामेटिक इवेंट्स इन द मिडिल ईस्ट विद द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अगेंस्ट इराक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान में गल्फ वॉर वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। हम लोगों को या तो कुछ सिलेक्टेड सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था गल्फ वॉर की कवरेज लाइव सीएनएन पे देखने के लिए, या फिर कुछ सिलेक्टेड होटेल्स में जिन लोगों ने डिश एंटीना लगा रखे थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। सैटेलाइट टेलीविजन इन इंडिया हैज नेवर लुक्ड बैक आफ्टर दैट। 1991 में 10th लोकसभा के लिए भी चुनाव हुए। इसी इलेक्शन के बीच राजीव गांधी की हत्या या असैसिनेशन हुई और वोटिंग दो फेजेस में बांट दिए गए। लोगों ने 20 मई को पहला चरण में मतदान किया और अगले दिन श्री पेरुम्बुदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। बाकी दो फेजेस जून में करवाए गए। अभी बंगाल में चुनाव के दौरान जैसे जैसे COVID-19 का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा था, बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि जो रिमेनिंग फेजेस ऑफ इलेक्शंस हैं उनको या तो क्लब टुगेदर कर दीजिए या फिर कुछ दिन बाद किया जाए। लेकिन इसको इलेक्शन कमीशन ने ठुकरा दिया डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1991। इसी बीच 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ही हिंदुस्तान को फेस करना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था इतनी नाजुक हो गई कि राष्ट्र खजाने में जो रखा हुआ सोना था उसको हमको प्लेज करना पड़ा। लेकिन 1991 की कहानी का हाईलाइट लोकसभा चुनाव ही रहा। पहली बार फोकस सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पर नहीं था, बल्कि इट वॉज इवन ऑन द पार्टी विच केम सेकेंड। ये वो वक्त था जब लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा के फॉर्मली लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुने गए थे। उसके पश्चात उन्होंने बहुत ही ड्रामेटिकली अनाउंस किया, वी आर नाउ द गवर्नमेंट इन वोटिंग बिकॉज द विक्टर केम सेकेंड, यानी कि असली जीतने वाला दूसरे नंबर पे आया। पहले नंबर पे जीतने वाला वास्तविकता में विक्टर नहीं था। अडवाणी हैड ऑलरेडी हाईलाइटेड टू पॉइंट्स। वन,
that the BJP was no longer a peripheral party. Two, that his party was no longer reacting to issues that were being set by the ruling party, but was instead setting the political agenda for the country and most importantly for the elections. जैसा हमने अभी पश्चिम बंगाल में देखा कि बीजेपी भले ही चुनाव ना जीत पाई हो, लेकिन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का जो फ्रेमवर्क था उसको बीजेपी ने सेट किया था, ठीक उसी तरह से 30 साल पहले 1991 के लोकसभा इलेक्शन का बेसिक डिस्कोर्स का फ्रेमवर्क, एटलीस्ट टिल द टाइम राजीव गांधी वॉज नॉट असैसिनेटेड, उसी के बेसिस पर डिबेट चल रही थी। लेकिन शायद मैंने फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया है। पहला सवाल तो एक्चुअली ये है कि 9th लोकसभा नवंबर 1989 में चुनी गई थी, तब मई 1991 में इलेक्शंस फिर से क्यों हो रहे थे? आपको याद होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार मंडल कमंडल के ट्विन इश्यूज के चलते नवंबर 1990 में गिर गई और उसके बाद चंद्रशेखर ने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस फ्रॉम आउटसाइड उसको उन्होंने बनाया। बहुत ही फ्रेजाइल सरकार थी। एंड फरवरी और अर्ली मार्च आते आते कांग्रेस और चंद्रशेखर के बीच में डिफरेंसेस होने लगे और कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स राजीव गांधी पर निगरानी रख रहे हैं। वन थिंग लेड टू अनदर एंड द कांग्रेस विड्रू सपोर्ट वेरी फास्ट। चंद्रशेखर रिजाइंड एंड इलेक्शंस वर कॉल्ड। ऑल दिस हैपेंड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 weeks फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी टू द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। बाय द 19th ऑफ मार्च द लोकसभा हैड बीन डिसॉल्वड एंड इलेक्शंस हैड बीन कॉल्ड। राजीव गांधी का मेजर प्लान वही था दैट कांग्रेस एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो स्थायी सरकार बना सकती है। बीजेपी ने अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को बहुत पॉपुलराइज कर लिया था इन्हीं 2-3 सालों में, परंतु वो सिंगल इशू पार्टी नहीं बनना चाहती थी। मंथ बिफोर द फॉल ऑफ द चंद्रशेखर गवर्नमेंट द बीजेपी at its plenary session passed resolutions that were critical of the government approach on terrorism in Punjab and in Jammu and Kashmir. This was the first attempt, pehla effort tha ye BJP ka apne aap ko ek patriotic aur nationalistic party ke taur par present karne ka. Unlike in 1989 for the 1991 Lok Sabha election, the BJP decided to contest alone and not have any alliances with any party but one. We shall talk about that later. The BJP then became the party to watch, not just because of the way in which it was setting the discourse, but also because in 1989 it had registered a spectacular growth from 2 members in Lok Sabha to 85 in the House. Ye ek संयोग था उस समय, जैसे जैसे कैंपेन पास आया चुनाव कॉल कर दिए गए। विश्व हिंदू परिषद ने 4 अप्रैल को दिल्ली में एक धर्म सभा आयोजित की थी। अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे तक ना सीमित रहकर इस धर्म संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 370 को संविधान से हटाया जाए और बांग्लादेश से घुसपैठियों को रोका जाए, इस तरह के उन्होंने मुद्दों को भी उठाया विच कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड द चार्टर विच द बीजेपी वॉज प्रिपेयरिंग। विश्व हिंदू परिषद का ये कार्यक्रम मात्र धर्म संसद ही नहीं रहा बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से इलेक्शन लॉन्च पैड हो गया। इस मीटिंग में एक विशाल रैली हुई थी दिल्ली के बोट क्लब में। जी हां, उस समय बोट क्लब में रैलियां होती थी। ये बात अलग है कि कुछ ही समय में बोट क्लब नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, क्योंकि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट करके एक मॉन्यूमेंट ऑफ वैनिटी को खड़ा किया जा रहा है। इस भीड़ में बीजेपी की नेता भी शामिल हुए और उसमें
लोगों को इनवाइट करने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में ये लोग कैंपेन करने गए थे। 4 अप्रैल की लॉन्च मीटिंग ने एक नया नारा दिया, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द 91 इलेक्शंस वाज दैट द बीजेपी फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रू इंटेलिजेंसिया इनटू इट्स फोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जनरल्स, आर्मी जनरल्स फ्रॉम द नेवी ऑल्सो एंड फिल्म स्टार्स ऑल फ्लॉक टू द पार्टी। इट इंक्लूडेड मेन लाइक ब्रिजेश मिश्रा, हु हैड बीन इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशंस, एंड फॉर्मर CAG TN चतुर्वेदी। बोथ ऑफ देम लेटर ऑन वेंट ऑन टू होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशंस इन द वाजपेयी गवर्नमेंट। लेफ्टिनेंट जनरल कैंडेथ, अ वॉर हीरो, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। फिल्म स्टार्स इंक्लूडेड दीपिका चिकलिया एंड अरविंद त्रिवेदी, दोनों पार्टी में शामिल हुए, उनको तुरंत टिकट दिए गए और 91 के इलेक्शन में लोकसभा में चुन के आ गए। बीजेपी को यह भी साबित करना था 1991 के इलेक्शंस में कि वे राष्ट्रीय पार्टी हैं, सिर्फ हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं है। इस इरादे से पार्टी ने सभी राज्यों से उम्मीदवार खड़े किए। केवल महाराष्ट्र में बीजेपी ने गठबंधन किया शिवसेना के साथ, जो बीजेपी का सबसे पुराना अलायंस पार्टनर था। यह बात अलग है कि अब ये शिवसेना और बीजेपी एक तरह से बिल्कुल स्वोन एनिमीज हैं। 20th मई को फर्स्ट फेज का चुनाव 534 में से 211 सीटों पर हुए। 21st मई को राजीव गांधी की श्री पेरम्बुदूर में असैसिनेशन हो गई, और उसके बाद के जो दो चरण थे वो जून 12 और जून 15 को फिर कराए गए। 1991 के इलेक्शंस ने सक्सेसिवली दूसरी बार एक हंग पार्लियामेंट का नतीजा दिया। कांग्रेस ने 244 सीट जीते और बीजेपी का टैली 85 से बढ़कर 120 हो गया। रीजनल एलाइज के समर्थन के साथ कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन बीजेपी की राइज बहुत ड्रामेटिक थी। एक तरह से आज की जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसकी बुनियाद 1991 में रखी गई। पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने चुनाव कॉन्टेस्ट भी नहीं किए थे और दिल्ली से आंध्र प्रदेश घर लौट जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी थी, प्रधानमंत्री चुने गए यूनानिमसली कांग्रेस पार्टी के नेता बनने के बाद। ही वॉज द फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू हेड अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। सिग्निफिकेंटली 1991 में वोटर्स ने दो डिस्टिंक्ट फेजेस में या पॉलिटिकल बैकड्रॉप्स में वोट दिया। पहला था प्री असैसिनेशन और दूसरा था पोस्ट ट्रेजिडी। उस त्रासदी का लाभ कांग्रेस ने भरपूर उठाया और उसको उसका फायदा नतीजों में मिला भी। उस वक्त के डेटा एनालिस्ट्स के हिसाब से अगर राजीव गांधी की हत्या नहीं हुई होती तो कांग्रेस का टैली मात्र 190 रहता। कॉरेस्पॉन्डिंगली बीजेपी के सीट्स 120 से बढ़कर कुछ ज्यादा होते। सरकार फिर एक बार hopelessly minority government supported from outside by the Congress, एक anti-BJP सरकार होती। अगर ऐसा होता तब जो economic reforms नरसिम्हा राव की सरकार के अंतर्गत किया गया वो शायद नहीं हो पाते। ये सोचने योग्य है कि अगर राव प्रधानमंत्री नहीं बनते तो आज भारत का आर्थिक नीति क्या होता। जब इलेक्शंस पुशबैक हुए थे राजीव गांधी की हत्या की वजह से, बहुत स्टेट्स में पार्शियल वोटिंग हो चुकी थी और बाकी सीटों पर वोटिंग पेंडिंग थी, जैसा कि मध्य प्रदेश में 28 कंप्लीटेड और 12 पेंडिंग
राजस्थान में 15 में वोटिंग हो चुकी थी, 10 पेंडिंग थे। यूपी में 42 कंप्लीट हो चुके थे, बाकी बकायदा बाकी थी। दक्षिण के सीटों में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में एक भी सीट पर इलेक्शन नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश में 17 सीट्स पर वोटिंग हो चुके थे और 25 बाकी थे। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, असम और उत्तर पूर्वी राज्य के स्टेट्स, ये ऐसे रीजन्स थे जहां एक भी सीट पर वोटिंग नहीं हुई थी। जाहिर सी बात है, राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के फेवर में सिंपथी वेव जेनरेट हुआ और 10th लोकसभा का इक्वेशन बदल गया। 211 सीट्स के चुनाव के बाद चुनावी मुद्दे बैकग्राउंड में चले गए और सिंपथी फैक्टर पूरे इलेक्शनियरिंग और कैंपेनिंग पर हावी हो गया। ऑल्दो द कांग्रेस फॉर्मड द गवर्नमेंट, इट वाज वेरी क्लियर दैट द बीजेपी वुड कंटिन्यू ग्रोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। अगर राजीव गांधी की हत्या नहीं होती तो इलेक्शंस पूरी तरह से मेनली बीजेपी के सेट किए हुए एजेंडा पर होते। राजीव गांधी के एसासिनेशन के बावजूद बीजेपी ने गुजरात को ऑलमोस्ट स्वीप कर लिया, 26 में से 20 लोकसभा के सीट जीत लिए। यूपी में भी उन्होंने 51 सीटें जीते। उस समय यूनाइटेड यूपी में 85 सीट्स टोटल होते थे। द बीजेपी ऑल्सो केम टू पावर इन उत्तर प्रदेश एट द स्टेट लेवल एंड कल्याण सिंह बिकेम द चीफ मिनिस्टर। 1991 के इलेक्शंस का एक नोटेबल फैक्ट ये भी था कि बीजेपी ने पहली बार कर्नाटका में या फिर पूरे दक्षिण में अपना खाता खोला। कर्नाटका में 4 लोकसभा सीट जीत लिए। उस वक्त हम कुछ पत्रकारों ने एक वरिष्ठ नेता से पूछा था कि क्या कांग्रेस को रिप्लेस करने की आपकी आकांक्षा है। उनका जवाब थोड़ा सा व्यंगात्मक था, हम एक विकल्प नहीं है लेकिन अगली कांग्रेस है। विद इंडिया इन अनदर सिंगल पार्टी डोमिनेशन फेज सिंस 2014, दीज वर्ड्स अपीयर एब्सोल्युटली प्रोफेटिकल। इतिहास में, कंटेम्पररी इवेंट्स में बहुत इंडिकेशंस मिलते हैं भविष्य को समझने के लिए। चुनौती हमेशा यही होती है कि उन संकेतों को कैसे समझा जाए। 1991 में नॉन बीजेपी पार्टीज में से किसी ने स्ट्रॉज इन द विंड को नहीं पकड़ पाए और नतीजा क्या निकला, 5 साल बाद 96 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी और सरकार बनाई। इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट दैट इट वाज ओनली फॉर 13 डेज, लेकिन बीजेपी ने केंद्र में भी खाता खोल लिया। नमस्कार।